नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आपको पता था, आज हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का रिटर्न एग्जाम था। तो आज मैं आपको यहां पर आंसर की बताऊंगा रीजनिंग और मैथ की। तो यहां पर आप क्वेश्चन टिक कर सकते हो। तो जो है यहां पर दी गई है डी सीरीज डी। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा गया है सम चतुर्भुज में अगर इसके विकिरण 19 सेंटीमीटर है तथा 13 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर सीधे मैं आपको आंसर बताऊँगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन की वीडियो में एक अलग लेकर आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो सही आंसर आएगा वो आएगा 440 मीटर। तीसरे क्वेश्चन की बात की जाए, 450 सेबों में 30% सड़े हुए हैं तो कितने सेब अच्छी स्थिति में हैं। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, वीणा एक निश्चित राशि को 8% वार्षिक दर पर रखती है, उसके बाद 6% साधारण ब्याज के 8376 रुपये मिलते हैं। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। तो जो ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है वो गलत भी हो, लेकिन ये वैसे ठीक ही है ना। तो आपने मुझे बता देना है अगर कोई आपको लगता है गलत है। तो जो ऑप्शन 5 है डी सीरीज़ का, एक विद्यार्थी 1/2 किलोमीटर की गति से स्कूल जाता है और 6 मिनट देरी से पहुँचता है। अगर वो 3 किलोमीटर की गति से यात्रा करता है तो 10 मिनट जल्दी पहुँचता है। स्कूल की दूरी कितनी है। इसमें जो सही आंसर आएगा वो ऑप्शन ए है, 4 किलोमीटर। नेक्स्ट का जो यहाँ पर आंसर आएगा वो है ऑप्शन डी, 37 इसका यहाँ पर आंसर आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जाए, तो जो 7वां क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर ए बी का उच्चतम आम कारक 15 है तो ए गुणा बी बराबर 1800 है, तो ए बी का न्यूनतम सामान्य कारक बताइए। तो इसका जो सही आंसर आएगा यहाँ पर वो है ऑप्शन डी, 120। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं 8वें का, 2 का 75% किसके बराबर है। तो इसका ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा, जो कि 1.5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, बी सी जी का टीका किसे रोकने में सहायक है, तो ये होता है ट्यूबरक्लोसिस। तो ये मैं आपको फिलहाल नहीं बताऊंगा आज की वीडियो में, सिर्फ आपको मैं मैथ और रीजनिंग के बारे में ही बताऊंगा। तो यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन था जो इंग्लिश में है और हिंदी में कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर सिर्फ इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ और इसकी एक्सप्लेनेशन मैं काफ़ी जल्द लेकर आऊँगा। तो यहाँ कहा गया है डब्बा टी और एस के बीच में कितने डब्बे हैं, तो इसमें आएंगे टोटल डब्बे जो इसके बीच में आएंगे वो है मोर देन 3। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। निम्न में कौन सा डब्बा सबसे नीचे है, तो वो है डब्बा डब्ल्यू, डब्ल्यू सबसे नीचे है। नेक्स्ट की बात की जाए, डब्बा आर और डब्ल्यू और आर के बीच में कितने डब्बे हैं, तो इसका ऑप्शन डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। इसमें 3 डब्बे बैठे हैं। अब यहाँ पर इसमें ऑड हमने फाइंड करना था, तो इसमें ऑड आएगा मूंगफली। अब 22 का जो सही आंसर आएगा वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, तो इसमें जो सही आंसर आएगा, जो राम की स्थिति है नीचे से, वो आएगी 41वीं। कैलेंडर का था, इसका सही आंसर है रविवार। इसका सही आंसर है मुर्गा। इसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो मैं अलग से लेकर आऊँगा, फिलहाल आप यहाँ पर आंसर देखिए। इसका जो सही आंसर है वो है सोहन। इसका यहाँ पर आएगा नन ऑफ दी अबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो यहाँ पर 28वें का आंसर आएगा वो आएगा 18.5 इसका यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, सीरीज़ का यहाँ पर है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, 130 यहाँ पर इसका आंसर आएगा। जो 30वां क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 33 यहाँ पर इसका आंसर आएगा। अब यहाँ पर बात की जाए 32वें क्वेश्चन की, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, 6554। अगर कैब को 13312 लिखा जाता है तो बिग को 297 लिखा जाता है, इसी कोड में FFED को कैसे लिखा जाएगा। तो ये कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन थे और मैथ के क्वेश्चन थे। आई होप आपके ये सभी ठीक हुए होंगे। रीजनिंग और मैथ में डिटेल में लेकर आऊँगा। तो ये थी आज की वीडियो, पार्ट 2 में काफ़ी जल्द लॉन्च कर दूँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।